दमिदास किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ठंड में खाई जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट मूंगफली और तिल की चटनी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये बनने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट हमारे मूंगफली और तिल है। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप मूँगफली ली है रोस्ट करके। इसको खुशबू आने तक भूनना है मूँगफली दाने को, और इसको देखना है इसके छिलके निकलने लगना है, इतना इसको भूनना है एकदम इसमें सौंधी खुशबू आने लगे। और मैंने तिल, सफ़ेद तिल लिया है, इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है और खुशबू आने तक भूंजा है। इन दोनों को ले लिया है। ये 1/3 कप है तिल और 1/2 कप है मूँगफली। अब प्रोसेस यह है चटनी बनाने की कि सबसे पहले हमें ग्राइंडर जार लेना है, मिक्सर जार, उसमें इन दोनों को महीन पीसना है। मूँगफली सबसे पहले डालिए, ऊपर से मैंने तिल डाली है, इसको महीन पीस लेते हैं और एकदम इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए मैंने पीस लिया है और एकदम महीन पीसा है इसको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसने अपना जो तिल है इसने से अपना घी जो इसका तेल रहता है वो भी रिलीज़ हो गया। अब मैंने पैन में यहाँ पर लगभग 1/2 टेबल स्पून भर के ऑयल लिया है। बहुत ही कम ऑयल में चटनी बन जाती है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी ज़ीरा, होल ज़ीरा डालना है, होल क्यूमिन सीड्स। इसके साथ थोड़ी हल्दी डालना है लगभग 1/2 टेबल स्पून या टीस्पून से ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर आप कम कर सकते हैं। इसके साथ 1 फुल स्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे इसका जो चटनी का फ्लेवर है बहुत उठ के आता है। इसको डालने के बाद हम एक बार इसको अच्छे से चला देंगे जिसमें जो मसाले हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और लगभग 1-2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ पेस्ट मूँगफली और तिल का। इसको डालने के बाद इसको बिल्कुल गैस का फ्लेम बिल्कुल मध्य रखना है आपको पूरे प्रोसेस में, बिल्कुल स्लो, स्लो से मीडियम के बीच में आपको चटनी बनाना है। और बिल्कुल स्लो रखा है मैंने गैस को, और इसमें सारे मसाले के साथ इस पेस्ट को चलाते हुए पकाना है, ऐसे घुमाते हुए पूरा मिक्स कर देना है तेल के साथ इसको अच्छी तरीके से। इस तरह से मैंने कर लिया है। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। तो मैंने 1/2 चम्मच काला नमक डाला है और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सफ़ेद वाला नमक डाला है। और आप कोई भी नमक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको टेस्ट पसंद है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे नमक को, जिसमें ये पूरे से मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये चटनी बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है, भुजा हुआ इसका टेस्ट आता है और सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, 15 दिन ये चटनी ख़राब नहीं होती है। और इसको बेसिकली हम लोग स्टोरेज के लिए ही बनाते हैं इन ठंड के मौसम में, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप रोटी, पराँठा, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए ये चटनी। ये बिल्कुल बन करके तैयार है, आप इसको सर्व कर लेते हैं। और देखिए मैंने सर्व कर लिया है, और सर्व करने के बाद देखिए इसका जो कलर है ठंडा होने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसके इसमें अपने अकॉर्डिंग मसाले मिक्स कर सकते हैं। तो आप भी बना करके एंजॉय करिए। देखते रहिए मेरा चैनल।